देखिए, ऑयल का प्राइस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसका जो मुख्य कारण है बढ़ने के पीछे वो है ओपेक प्लस ग्रुप, जो कि एक संगठन है जिसमें सऊदी अरब, लीबिया, इराक ये सब देश आ जाते हैं, जो कि एक्चुअल में तेल निकालते हैं और दुनिया को बेचते हैं। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि कोरोना जब आया था उस वक्त क्या हुआ कि देश बंद था, फैक्ट्रीज बंद थी और देशों को तेल का ज़्यादा जरूरत था नहीं। उस वक्त क्या हुआ कि जब तेल का देश को जरूरत है नहीं और सऊदी अरब जैसा और भी जितने भी देश है ओपेक प्लस ग्रुप में, ये लोग तेल तो निकाल रहे थे पर बिक नहीं रहा था, और उस वक्त इनका तेल का दाम $19 प्रति बैरल हो गया था, जो कि बहुत कम है। और उस वक्त इन लोगों ने ठान लिया कि जैसे ही ये कोरोना काल खत्म होता है हम लोग तेल का जो प्रोडक्शन है वो घटा देंगे ताकि मार्केट में तेल का प्राइस बढ़ जाए। इससे फायदा क्या होगा इन लोगों को कि जब ये लोग तेल कम निकालेंगे और देश तेल मांगेंगे, उस वक्त जब ये दूसरे देश तेल मांगेंगे, ये लोग बोलेंगे हमारे पास तेल नहीं है, जिस कारण तेल का प्राइस बढ़ते जाएगा डेली पे डेली। और वही चीज़ हो रहा है आज हमारे देश में भी, तेल का प्राइस इसी कारण से बढ़ रहा है। लेकिन अब इसका एक रामबाण उपाय ढूंढ के लाया है अमेरिका, और उसका कहना है कि चलिए हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्वर से तेल निकालते हैं और मार्केट में बेचना चालू कर देते हैं ताकि तेल का दाम को हम लोग कम कर सके। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्वर ऐसा रिजर्वर होता है जिसमें एक देश उसमें तेल भर के रखता है ताकि किसी कारण से अगर कोई दूसरा देश उनको तेल देने से मना कर देता है, तब भी वो अपने इकोनॉमी को, अपने देश को कुछ समय तक अच्छे से पटरी पे रख सके, चला सके। इंडिया के पास इतना बड़ा रिजर्वर है कि इंडिया कम से कम 9.5 से 10 दिन तक आराम से तेल का जो पूर्ति है पूरा कर सकता है। सबसे ज्यादा जो बड़ा रिजर्वर इस दुनिया में किसी के पास है तो वो अमेरिका नहीं है, वो जापान है। जापान के पास 140 दिन का तेल रखा हुआ है, और इसलिए जापान, इंडिया, US इस तरह के और चाइना सब देश मिलके क्या कर रहे हैं कि अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्वर से तेल को निकाल रहे हैं, मार्केट में रिलीज कर रहे हैं ताकि तेल का सप्लाई मार्केट में रिक्वायरमेंट यानी जितना की जरूरत है उससे मीट कर सके, यानी तेल और जरूरत दोनों एक सामने हो। उस वक्त तेल का दाम बहुत तेजी से गिरेगा और हम लोग वापस से तेल को ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं। इसमें ये लोग अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्वर से कितना कितना निकाल रहे हैं ये भी जान जाइए। देखिए अभी चाइना, जापान, इन लोगों का तो कुछ क्लियर नहीं है, पर इंडिया का क्लियर है कि इंडिया 5.3 मेगा मेट्रिक टन तेल निकालने वाला है अपने रिजर्वर से। और ये जो 5.3 मेगा मेट्रिक टन है ये करीब करीब 36.92 मिलियन बैरल के बराबर होता है, यानी कि इंडिया का एक दिन का जरूरत का तेल इंडिया मार्केट में रिलीज करने वाला है। वहीं पे अमरीका डायरेक्ट सीधे 50 मेट्रिक टन निकाल रहा है तेल, यानी इंडिया से जस्ट 10 गुना ज़्यादा तेल निकाल रहा है मार्केट में, और इससे क्या होगा कि इसका जो प्राइस है बहुत तेजी से गिरेगा। अब आप इसके पीछे एक और कारण समझ जाइए कि अमेरिका इसमें क्यों घुस रहा है, क्योंकि अमेरिका तो बहुत ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन पहले एक समय था कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब अमेरिका तेल को बेचा करता था, पर अब देखिए जो बाइडेन की ही महिमा है कि पता नहीं कैसे वो सोचते हैं, लेकिन उनको कहना है कि हम नेचर को कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम तेल ज़्यादा नहीं निकालेंगे, हम कम कर देंगे, और बहुत सारा उन लोगों ने फैक्ट्री को बंद कर दिया जिस कारण आज अमेरिका जैसा कगार पे आके खड़ा हो गया कि उसको दूसरे देश से तेल खरीदना पड़ रहा है, और अब वो तेल का प्राइस को पूरा नीचे कर दो क्योंकि ये हम लोग को भी महंगा पड़ रहा है। और इसी पे डोनाल्ड ट्रंप भी उनके अगेंस्ट जाके बोल रहे हैं कि हमने जो किया इतने साल मेहनत और उसको ये जो बाइडेन आया एक साल में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसमें आपका क्या विचार है कि ये जो USA, इंडिया, चाइना और जापान मिलके एक साथ कर रहे हैं ग्रुप बना के, ये सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।